संयुक्त किसान मोर्चा के नेता तब देखो कहना चाहूँ अलाहाबाद में इलेक्शन है, चलो अपने खुद नो बेरा भी अपने जेजे फिर बीजेपी का विरोध करना, फिर वे तीसरा दिन कदे चढ़ूने जावर कदे राकेश टिकैत कौन सा मतलब है मार पाया बात रोज सह नहीं होती, कोई ना कोई बड़ा एक्शन उन्हें अगर राजनीति करनी है तो राजनीति करने का बहुत टाइम है, क्योंकि मारे वर्गी बहु बेटियां सड़क पर आकर बैठी अपने काम धंधे भी छोड़ कर वे अपनी राजनीति कर दे तो करो और माम सीधी अपील करा जल्दी से जल्दी कोई बड़ा एक्शन उठाने खातर, सुनाई जितने भी हमने ज्ञापन सौंपे आई बार रिजेक्ट हो, हमने इस बात का पता हम यहाँ पर आया चले जावा वापिस फिर भी हमारी कोई सुनानी नहीं, हम सीधी चेतावनी देना चाहवा मतलब डीसी का गवर्नर राष्ट्रपति या तो हमारी सुनाई हो, अगर नहीं सुनाई हो तो ऐसा काम हो जाएगा ये डीसी के ऊपर और ताला मारना पड़ेगा आखिर में, ये काम होगा और एक संयुक्त किसान मोर्चा तब ये अपील है सीधी बात है क्या वे कितने भी बाबूजी बनते हो हम तो मार खा तो चलो भी परिवार में एक बड़ा आदमी हो अगर वे मार खाते एक बड़े है हम सीधी अपील करिए तो कोई बड़ा एक्शन उठा लो नहीं उठाने तो हम सीधा एक्शन उठाने वाले, देखो हम सपोर्ट किसी ने भी नहीं करे सीधा मतलब मेन मुद्दा अपना जे जे फिर बीजेपी ने रहना, अगर जे जे फिर बीजेपी जीत गई तो मेन मुद्दा मतलब किसान की नाक नीचे हो जाएगी क्योंकि अपना मेन टारगेट जे जे फिर बीजेपी ने खत्म करना, किसान कुछ न कुछ करके ना ये बीजेपी और जेजेपी के नेता एमएलए मंत्री ने गाड़ियां तले रूंदने लगेंगे भाई और कोई इलाज नहीं है भाई। देखो आज हमने राष्ट्रीय मतलब डीसी को पर राष्ट्रीय तक पति तक ज्ञापन सौंपने का काम किया, जो मेरे पांच लखीमपुर में किसान शहीद हो रहे हैं और जो अनिल मिश्रा है जो आज कुर्सी पे बैठा है उसका बेटा आशीष मिश्रा जो कुर्सी पे बैठा है उसका बेटा जो आज जेल में पूरी ऐसा हो रहा है और मेरा वर्ग किसान जो आज भी सड़क पर 11 महीने हो गया हम सड़क पर बैठे फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं, हम डीसी का अगर ज्ञापन सौंपने जा रहे लेकिन आज तक भी हमारी कोई भी सुनाई जितने भी हमने ज्ञापन सौंपे आई बार रिजेक्ट हो, हमने इस बात का पता हम यहाँ पर आया चले जावा वापिस फिर भी हमारी कोई सुनानी नहीं, हम सीधी चेतावनी देना चाहवा मतलब डीसी का गवर्नर राष्ट्रपति या तो हमारी सुनाई हो अगर नहीं सुनाई हो तो ऐसा काम हो जाएगा ये और डीसी के ऊपर और ताला मारना पड़ेगा आखिर में, ये काम होगा और कुछ भी काम सारे काम धंधे बंद हो गए क्योंकि किसान ही इतना मजबूर हो लिया सड़कों पे बैठकर 11 महीने हो गए हमारी कोई सुनाई और जो हमारे यहाँ पे डीसी कार्यालय में आड़े हमारी सुनाई नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है अगर नहीं हुई हमारी कार्रवाई तो हम इसके भी ताला मारने तैयार हैं। देखो फर्क तो देखो जो संयुक्त किसान मोर्चा अपील करे तो हम उसने फॉलो जरूर करा लेकिन का करनी है इतनी गंदी सरकार इसका कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि इब लग हमारे 750 किसान शहीद हो ले इब लग इनका फर्क नहीं पड़ना तो इनका फर्क ही नहीं पड़ता और एक संयुक्त किसान मोर्चा तब ये अपील है सीधी बात है क्या वे कितने भी बाबूजी बनते हो हम तो मार खा तो चलो भी परिवार में एक बड़ा आदमी हो अगर वे मार खाते एक बड़े है हम सीधी अपील करिए तो कोई बड़ा एक्शन उठा लो नहीं उठाने तो हम सीधा एक्शन उठाने वाले क्योंकि बहुत होली सादत 750 किसान शहीद हो लिए किसी का बेटा भी है किसी के बाबू भी है मार पाया बात रोज सह नहीं होती कोई ना कोई बड़ा एक्शन उन्हें अगर राजनीति करनी है तो राजनीति करने का बहुत टाइम है क्योंकि मारे वर्गी बहु बेटियां सड़क पर आकर बैठी अपने काम धंधे भी छोड़ कर वे अपनी राजनीति कर दे तो करो और हम सीधी अपील करा जल्दी से जल्दी कोई बड़ा एक्शन उठाने खातर करो। हाँ इसी दी बात देखो हम सपोर्ट किसी ने भी नहीं करे सीधा मतलब मेन मुद्दा अपना जे जे फिर बीजेपी ने रहना अगर जे जे फिर बीजेपी जीत गई तो मेन मुद्दा मतलब किसान की नाक नीचे हो जाएगी क्योंकि अपना मेन टारगेट जे जे फिर बीजेपी ने खत्म करना अगर और जीत गई तो अपना केयर रह गया हरियाणा में है अगर हरियाणा में अपना पहले मतलब बंगाल में उसकी हारना है यूपी में रहना पंजाब में फिर हरियाणा में भी अपना उसकी बिल्कुल खत्म करना और हमारा मुद्दा ही क्योंकि आना अपना 2024 में होगा लेकिन अलाहाबाद में इलेक्शन है अपने किसानों ने इतनी बड़ी जीत करनी चाहिए भी किसी की भी करो हमनू निगंद भी इनलो की कांग्रेस की भी किसी की भी जीत करो लेकिन जे जे फिर बीजेपी ने वोट ना दे क्योंकि उनकी जमानत जब्त करनी चाहिए यह मुद्दा हमारा सीधा। हमने ज्ञापन सौंपे डीसी साहब को जिसके की राष्ट्रीय पति अपील करी है भाई अजय मिश्रा को इस्तीफा देकर जेल में डालो और आशीष मिश्रा को सीधी फांसी दो, ये तो किसानों ने सरेआम रोन रखे हैं सड़क पे गिर के गाड़ी तले और नहीं तो किसान इतने तबाह हो गए हैं 6 महीने 11 महीने हो गए ये किसान कुछ न कुछ करके ना ये बीजेपी और जे जे पी के नेता एमएलए मंत्री ने गाड़ियां तले रोंदने लगेंगे भाई और कोई इलाज नहीं है। गिरदौरी तो जामे है के करे है फिर पूरी नहीं करे या भी अपील करा मैं सरकार तो भाई गिरदौरी करो पूरी हमने पूरा मुआवजा चाहिए ये नहीं है कि चार कुंठा में दे गांव के चार कुंठा में दे केक पेटा पाड़े हैं और रिजल्ट है के ना अपने दफ्तर में काटे हैं हमारी 90% फसल बिल्कुल खराब होगी कुछ तो पानी थे और कुछ गुलाबी सुंडी थे हमने पूरा मुआवजा चाहिए ये नहीं है कि भाई 1-2% लिखा है ना पूरी 90% फसल खराब होगी और 90% मेरी अपील है सरकार तय किसान ने पूरा मुआवजा दे ये नहीं है कि भाई 1-2% लिखे 15,000 रुपये किला दे दें हमने नहीं चाहिए या तो हमने पूरा हक चाहिए या हमने कुछ भी नहीं चाहिए हमने तो यह अपील करनी सरकार। मैं संयुक्त किसान मोर्चा के नेता तब देखो कहना चाहूँ अलाहाबाद में इलेक्शन है चलो अपने खुद नो बेरा भी अपने जे जे फिर बीजेपी का विरोध करना फिर वे
तीसरा दिन कदे चढ़ूने जावे कदे राकेश टिकैत कौन सब मतलब है अपना टारगेट है काला आंदोलन करना और वे जज को मीटिंग कर लग रहे डाड़े लोग मरण लग रहे किसी खाद नहीं मिलता किसी की मतलब अपनी सजा तो मंडिया में जाओ किसान की मतलब कुछ लोग बॉर्डर पे बस बैठे कुछ टोला पे बैठे मेन टारगेट है अपना किसान आंदोलन था मतलब पार्टी तो सारी उम्र पार्टी तो ये होना मतलब कोई भी आया तो इन लो कांग्रेस हो या अपने घर भरण लग रहे ये पागल हो रहे अपने वर्गे लोग जज का वोट मांगने लग रहे सिर्फ अपना अर्थ भी आप सीधा टारगेट कर सका भी जेजेपी बीजेपी ने वोट ना देखो और लोग जज को अपना तेल पानी खत्म करना अपना घर इन्हें संभालना तो सीधी आप बात कहो संयुक्त किसान मोर्चा था भी जितना भी बड़ा एक्शन जल्दी से जल्दी उठा लो ताकि आगे भी अपना आने पर टाइम में कुछ चीज़ गलत ना हो सका भी आप इतना सचेत हो जाओ। एलनाबाद में भी तो किसान है उन किसानों ने भी तो इतनी शुद्ध बुद्ध है कि भाई हमने वोट किस तरह देना है। मैं तो कहूँ एलनाबाद के किसान भाई आंदा भाई अपना निर्णय सही लो जेजेपी और बीजेपी ने उड़ा सफल ना होने दे वे बलात्कारी गुंडे गंदे इंसान है जो बीजेपी ने उड़े कैंडिडेट ठहर के हैं। मैं कहूँ भाई तो हमने खुद ने शुद्ध बुद्ध है हम ना आने की उड़े जरूरत नहीं पड़े अपना फैसला बढ़िया लियो इन इनकी मनसा इनकी पूरी ना होने दो इन बिल्कुल भी हरियाणा में इनका नामो निशान मिटा दो जेजेपी और बीजेपी इतनी गंदी घटिया बेकार सरकार ये बोर्ड क्या भी पूरे भारत में नहीं आवे।